नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज, बीजेपी और कांग्रेस ने कसी कमर। बीजेपी प्रत्याशी चयन के लिए फील्ड में भेजेगी पर्यवेक्षकों की टोलियां। सर्वे कर प्रदेश नेतृत्व को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कांग्रेस के जिला प्रभारी भी कर रहे हैं बैठकें। एक हफ्ते में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी रिपोर्ट। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। एक हफ्ते में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं पर्यवेक्षकों की टोलियां भी भेजी जाएंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की जिला प्रभारी भी बैठक कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। के साथ ही दोनों ही पार्टियों ने निकाय चुनाव की लेकर कमर कसी है। सर्वे कर प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चली है। सर्वे के लिए टोलियां भेजी जाएगी। पर्यवेक्षकों की टोलियां सर्वे कर प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही निकाय चुनाव की रणनीति में लगातार जी जान से जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरुण सैनी जुड़ गया। अरुण, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है, ऐसे में आगे क्या रणनीति तैयार की गई है? प्रदेश में निकाय चुनाव कब तक होंगे इसको लेकर अभी भी जो है संशय बरकरार है। हालांकि लगातार सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस माह जो है चुनाव को करा दिया जाएंगे। हालांकि चुनाव कब तक होगा इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी या फिर क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल हो, तो सभी अपनी अपनी तैयारियां निकाय चुनाव को लेकर कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर दो प्रमुख दलों की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो दोनों ही दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही है, पहले जिला अध्यक्षों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने की जो बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक ली, उसमें तमाम रणनीति तैयार की गई। इसी के साथ ही फिर उसके बाद निगमों में प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए सभी 11 नगर निगमों में, उसके बाद राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री बीएल संतोष का यहाँ पर दौरा हुआ, उन्होंने उन प्रभारियों के साथ भी बैठक की जो 11 प्रभारी बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ ही जिला प्रभारी, सह प्रभारी और टोलियों की टोली बैठक भी जो है उन्होंने की, और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देने का काम भी किया। और किस तरीके से जो बीते चुनाव रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव रहा हो या फिर बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव रहा हो या मंगलोर या फिर लोकसभा चुनाव, उनसे किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन करना है उसको लेकर दिशा निर्देश दिए। और साथ ही तौर पर रणनीति किस तरीके से बनाई जानी है और चुनाव की पूरी समीक्षा भी उन्होंने की, किस तरीके की तैयारियां चल रही है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में जो है पदाधिकारी जा रहे हैं, इस सबको लेकर उन्होंने चर्चा की। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने टोलियां अपनी बनाई है और 50 टोलियां भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षकों की बनाई है, जो की क्षेत्र में जाएंगे, जनता से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे उसे, और जो प्रत्याशी जीता वो टिकाऊ प्रत्याशी होगा उसकी रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को दी जाएगी। उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो शुरू होगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साफ तौर पर पहले ही कह चुके हैं कि इस बार जो प्रत्याशी का चयन होगा वो पब्लिक सर्वे के आधार पर होगा, और पब्लिक सर्वे के आधार पर ही जो है जो जनता जिसे चाहती है कि वो प्रत्याशी बने, ऐसा प्रत्याशी निकाय चुनाव में जो है वो उतारा जाएगा। इसी के साथ साथ ये जो कांग्रेस पार्टी की भी बात की जाए, तो कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियां कर रही है। कांग्रेस पार्टी की लगातार तैयारियां हो रही है, जिस तरीके से जनसंवाद कार्यक्रम और जनता की समस्याएं लेकर हो या अन्य कार्यक्रम हो, इस तरीके के तमाम कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर के अपने जिला प्रभारियों की नियुक्ति की थी और पहले दौर की बैठक कई जिला प्रभारी ले भी चुके हैं, जिसमें देहरादून के जिला प्रभारी प्रकाश जोशी ने 3 दिवसीय जो है दौरा उनका देहरादून में रहा, उन्होंने बैठक की और तमाम रणनीतियां जांची। इसी के साथ साथ उत्तरकाशी के जिला प्रभारी सुरेशान दसमाना, उन्होंने भी पहले दौर की बैठक की, और अब प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दिशा निर्देश पर जो है अब 14 दिसंबर तक लगातार जो प्रभारी बनाए गए थे उन प्रभारी वो क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर बैठक करेंगे,
बैठक करके जनता से रायशुमारी भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और एक सप्ताह के अंदर अंदर रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को दी जाएगी और प्रदेश में उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो शुरू होगी। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी अपने आवास पर जो है बैठक की, पार्षदों के साथ उन्होंने बैठक की है और जो बैठक में भी उन्होंने मलिन बस्तियों को लेकर हो या किस तरीके के मुद्दे उठाने हैं, किस तरीके के मुद्दे निकाय चुनाव में होने हैं, तो इसको लेकर भी उन्होंने बैठक की और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में पूर्ण रूप से जुटे हुए हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर का कहर, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, सैलानी रोमांचित, मैदानों में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, तापमान में भारी गिरावट, मौसम विभाग ने किया अलर्ट, ठंड के और बढ़ने के आसार, मौसम विभाग कई इलाकों में सड़कें फिसलन भारी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है, जहां पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी है तो वहीं मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। लगभग 12 साल बाद मसूरी में दिसंबर महीने में बर्फबारी हुई। कल शाम से ही मौसम बदलने की वजह से ठंड का एहसास होने लगा था। मसूरी की सबसे ऊंची पहाड़ी लाल टिब्बा पर 2 से 3 इंच तक बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी होने से न सिर्फ स्थानीय नागरिकों बल्कि स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे। बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य में 8, 9 और 10 तारीख को पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम गैरोला जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है, मसूरी में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई, किस तरह का मौसम बना हुआ है? शुभम, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी शिखा जी। शुभम, जिस तरीके से उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है, मसूरी में भी बर्फबारी देखने को मिली, किस तरह का मौसम अभी बना हुआ है? जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि मसूरी एक पर्यटक नगरी है, साथ ही साथ मसूरी में जब भी बर्फ पड़ती है तो पर्यटकों का जो है उबार देखने को मिलता है। उसी कड़ी में जो है कल रात 2 बजे से हल्के हल्के मध्यम रूप से जो है मसूरी के जो ऊंचे क्षेत्र है उन पर लगातार जो है बर्फबारी चल रही थी, जिसके कारण सुबह तक जो है एक सफेद चादर ढकने को देखने को मिली है कि मसूरी लाल टिब्बा से लेकर लंडौर के आधे बाजार तक जो है बर्फ देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जो ये बर्फ है पर्यटकों को और यहाँ के व्यापारियों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रही है। जी शिखा। शुभम, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। उत्तरकाशी में ठंड बढ़ चुकी है, साथ ही मौसम भी सुहाना हो चुका है। बड़कोट, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पहली बर्फबारी हुई। पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरविंद थपलियाल जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस तरीके से चारधाम समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है, जिला प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां की गई है? देखिए शिका, बिल्कुल कल शाम जो है मौसम ने अचानक करवट बदली है और पहाड़ों के ऊपरी इलाकों में कल शाम से जो है बर्फबारी गंगोत्री और यमुनोत्री, चाहे हर्षिल की हम बात करें चाहे राजी टाप की हम बात करें, तो ऊपरी इलाकों में जो है बर्फबारी हुई है और निचले इलाकों में जो है पहाड़ी इलाकों में भारी ठंड बढ़ी है। हालांकि प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां अपनी मशीनें और तमाम जो मशीनरी है वो जो है पर्वतीय क्षेत्रों में खड़ी की है और जो है अलाव की जो है जगह जगह व्यवस्था की गई है। अरविंद, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। आखिरकार मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। रविवार रात से ही लोहागढ़ क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला हुआ था, तो वहीं सोमवार सुबह से ही क्षेत्र में पहला हिमपात हुआ। लोहागढ़ के एबट माउंट, मायावती, फोर्ती, झुमाधुरी क्षेत्र में बर्फबारी हुई। नगर क्षेत्र के आसपास के इलाकों में भी हल्की बर्फबारी देखी गई। क्षेत्र के किसानों और
पर्यावरणविदों ने इसे शुभ संकेत बताया है। उनका कहना है कि लंबे समय बाद बर्फबारी हुई है, जो पर्यावरण और खेती के लिए अच्छा संकेत है। लोगों ने कहा कि बर्फबारी से बीमारियों का प्रकोप कम होने के साथ ही कोहरे ठंड से राहत मिलेगी, इसके अलावा खेती को बड़ा फायदा होगा। रविवार को ऊखीमठ के सियालसौड़ में कृषि, औद्योगिक और पर्यटन विकास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और कई विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल समेत तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में उद्योगों को और पर्यटन को लगातार बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने का प्रयास कर रही है, जिससे हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, अपने घर में ही स्वरोजगार करने का अवसर मिले। एक और जहां प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज पूरे हमारे इस केदारखंड क्षेत्र हो या उत्तराखंड हो, इसके प्रमुख दर्शनीय स्थलों की पहचान कर उनका आज विकास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड में निवेश और रोजगार सृजन हेतु अनुकूल राज्य बनाने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। शीघ्र ही जो प्रयास हम कर रहे हैं, पिछले वर्ष हमने देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बड़ा निवेशकों का सम्मेलन किया था और उस निवेशकों के सम्मेलन में 3,54,000 करोड़ के निवेश के करार हमारे साथ निवेशकों ने किए थे और ये बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ हमारे करार हुए हैं और हमने उनको प्राथमिकता दी है जो राज्य के अंदर अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति में राज्य का साधन बने, साथ में हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार सृजन करने में जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे उनको हम निवेश में सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे, हमने तय किया। और इसका परिणाम हुआ कि आज 70,000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश की ग्राउंडिंग की शुरुआत हो गई है। यानी केवल हमने निवेशकों के साथ करार ही नहीं किए, करार करने के साथ उनको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, आज के इस उपचुनाव इस अवसर पर मैं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अरणी आशा दीदी को विजयी बनाने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे केदारनाथ विधानसभा चुनाव की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने विकास की अनवरत चलने वाली प्रक्रिया को और तेज गति प्रदान की है। और देखिए, आपने आशा दीदी को चुनाव जिताया, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया और एक चुनाव बद्रीनाथ में भी हुआ था बगल में। बद्रीनाथ में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी गायब है और केदारनाथ में बाबा के धाम में आपने कमल खिलाया, 15 दिन के अंदर सरकार आपके घर पहुंच गई, आपके द्वार पहुंच गई। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना ही नहीं था, हमारा लक्ष्य है जनता जनार्दन की सेवा करना। और जो हमने वायदे किए हैं, जो हमने घोषणाएं की हैं, उन सभी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारेंगे और हमारी मातृशक्ति को साथ लेकर मातृशक्ति के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाना भी हमारे संकल्प में रहेगा। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारी मातृशक्ति, हमारे नौजवान आगे बढ़कर आकर काम करें। बाबा केदार के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से ये संभव हो सका है और आगे की यात्रा भी आप सबके आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। ये विजय इस चुनाव में, जैसा भरत चौधरी जी बोल रहे थे, बहन आशा नौटियाल जी बोल रही थी कि ये विजय कोई सामान्य विजय नहीं है, ये विजय झूठ पर सच की विजय है, ये अधर्म पर धर्म की विजय है,
ये षड्यंत्रों पर ईमानदार प्रयासों की विजय है। मैंने उन्हें विशेष तौर पर आशा जी को कहा है कि वो आपके बीच में रहकर लगातार कामों को आगे बढ़ाएंगी। और केदारनाथ विधानसभा के चुनाव में इस बार आप सब लोगों ने देखा होगा कि विपक्ष द्वारा झूठ और भ्रम की राजनीति की गई, तमाम प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम किया, तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, बाबा केदार के नाम पर दुर्भावनापूर्ण बातें की गई, परंतु बाबा केदार के अनुयायियों ने, बाबा केदार के भक्तों ने, श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनताओं ने, माता बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने विपक्षियों के प्रत्येक षड्यंत्र को फेल करते हुए बहन आशा नौटियाल को और भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजय सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ के शीतकालीन निवास ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पूजा अर्चना की और शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत की। मीडिया के सवालों पर सीएम धामी ने कहा कि भगवान से शीतकालीन यात्रा के सफल होने की कामना की है, आने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम हो और जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उनकी पूर्ति हो। आज भगवान केदारेश्वर ओंकारेश्वर और हमारे सभी पंच बद्री पंच केदार सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले, आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक उनकी यात्रा भी सुगम हो, जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हों, भगवान की उनको कृपा बने रहे। और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पर जहाँ हमारा अखंड हिमालय है, हमारे ग्लेशियर हैं, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, और सूर्य भगवान की भी 12 महीने लगातार कृपा बनी रहती है। जहाँ आज अनेक स्थानों पर धुंध होती है, कोहरा होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सूर्य भगवान हम सबको जो है अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आए उत्तराखंड और हमारे इन सभी क्षेत्रों को देखें। यहाँ पर भगवान भी विराजमान हैं, देव स्थान भी हैं, उनको भी देखें, हमारे धार्मिक स्थलों के अन्य जो पर्यटक स्थल हैं उनका भी निश्चित। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में 29 गांवों के सहयोग से चल रहे 22 दिनों जागर का भूमिया देवता की पूजन अर्चन के साथ समापन हुआ। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं भूमिया देवता के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता नवीन कालाकोटी ने बताया कि समिति अध्यक्ष उमेश कालाकोटी के निर्देश पर 29 गांव के ग्रामीणों की मदद से बरसों बाद 22 दिन जागर का गांव में आयोजन किया गया था। नवीन कालाकोटी ने जागर के सफल संचालन के लिए आयोजन कमेटी अध्यक्ष सदस्य और 29 गांव के ग्रामीणों का आभार जताया। कहते हैं कि पांडव काल में गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा और शस्त्र शिक्षा के लिए उत्तराखंड की धरती को ही चुना था, और तब से लेकर अब तक उत्तराखंड को देश दुनिया में शिक्षा का हब माना जाता रहा है। उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में 47 केंद्र विद्यालय चल रहे हैं और अब केंद्र सरकार ने 4 और विद्यालयों की सौगात दी है। लिहाजा कहा जा रहा है कि इससे राज्यों को काफी फायदा होगा। केंद्र के फैसले पर राज्य सरकार के साथ ही विपक्ष भी खुश है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। इस रिपोर्ट में देखिए, 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और एक केंद्रीय विद्यालय को एक्सपैंड करने का आज अप्रूवल मिला है।
शुक्रवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड समेत कई राज्यों को केंद्र से सौगात मिली है, जिसे लेकर राज्यों की सरकार केंद्र का आभार जता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 4 विश्वविद्यालय उत्तराखंड में खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन नए केंद्रीय विद्यालयों के खुल जाने से देश में 82,000 से ज्यादा छात्रों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। अभी केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1,256 है। इन विद्यालयों में 13,56,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और एक केंद्रीय विद्यालय को एक्सपैंड करने का आज अप्रूवल मिला है, और इसमें 80 केंद्रीय विद्यालय में 82,560 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। नया एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, 5,388 रेगुलर जॉब्स क्रिएट होंगे इसमें, और अप्रूव्ड अमाउंट है केंद्रीय विद्यालय के लिए जो आज के कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है, 5,872 करोड़। बहुत लंबे टाइम के बाद में इतना बड़ा केंद्रीय विद्यालय का एक्सपेंशन का प्रोग्राम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है, और साथ ही साथ 28 नवोदय विद्यालय, आप सब जानते हैं नवोदय विद्यालय जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में टैलेंटेड बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, जिसमें बहुत फोकस्ड वे में टैलेंट बच्चों का डेवलपमेंट किया जाता है, उसमें 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें 15,680 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हर साल उनको बेनिफिट मिलेगा। 1,316 रेगुलर पोस्ट क्रिएट होंगी, और इसके लिए 2,360 करोड़ रुपीस का आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। ओवरऑल केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का मिला के 8,232 करोड़ रुपीस हैव बीन सैंक्शनड बाय द कैबिनेट। उत्तराखंड में भी 4 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें टिहरी के नरेंद्र नगर में एक, टिहरी के ही मदन नेगी कस्बे में एक, और पौड़ी के कोटद्वार में एक, और अल्मोड़ा के द्वारहाट में एक केंद्रीय विद्यालय का निर्माण होगा। वर्तमान में उत्तराखंड के 47 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। देश में जिस तरीके से 85 केंद्रीय विद्यालय देने का कैबिनेट ने फैसला किया केंद्रीय, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड को भी 4 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी होती है कि हमारे यहाँ एक बार फिर 4 विद्यालय मिलेंगे, तो हमारे बच्चों का भविष्य संवरेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी वही स्थान हम दोबारा प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय हमें जो मिल रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी। उत्तराखंड में 4 केंद्रीय विद्यालय के निर्माण की खबर पर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। एक्स पर किए गए पोस्ट पर सीएम धामी ने लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की है। इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर उत्तराखंड में भी 4 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इस निर्णय के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार और अभिनंदन। इन स्कूलों को 5,872.08 की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा, जो 82,560 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे और 5,388 स्थायी नौकरियों का सृजन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे यहाँ 4 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, क्योंकि शिक्षा हमारी लिए बहुत प्राथमिकता है। राज्य के अंदर शिक्षा और चिकित्सा तो ऐसे विषय हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए और हर एक के लिए जरूरी है। देवभूमि उत्तराखंड को केंद्र से 4 नए केंद्रीय विद्यालय की सौगात पर न सिर्फ सत्ता पक्ष आभार जता रहा है, बल्कि विपक्ष भी केंद्र के फैसले का स्वागत कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि बच्चों के भविष्य के लिए अगर फैसला लिया जाता है तो अच्छी बात है। करण मेहरा का मानना है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में केंद्रीय विद्यालय की जरूरत है, ताकि सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सके। देखिए, स्वागत योग्य है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ हमारे राज्य को मिलता है तो निश्चित है, लेकिन 4 नहीं, ये ज़्यादा होने चाहिए थे। और क्योंकि नवोदय विद्यालय की तर्ज पर ही एक सी समान शिक्षा है, केंद्रीय विद्यालयों की नितांत आवश्यकता है। जहाँ जहाँ ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ केवल फौज के निर्देशन पर वो चलते हैं, या कमांडेंट जो है वो उसका चेयरमैन होता है, सिविल के बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिलते, ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहाँ भी केंद्रीय विद्यालय खोले जाने चाहिए, ताकि सिविल के बच्चों को भी वहाँ एडमिशन्स मिल सके।
इसमें कोई शक नहीं कि कई वर्षों से उत्तराखंड को शिक्षा का हब माना जा रहा है। देश विदेश से बच्चे उत्तराखंड में बेहतर शिक्षा के लिए आते हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर जैसे इलाके में अगर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण होता है तो फिर वहाँ से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन बदलते दौर में आज शिक्षा बहुत बड़ा बिजनेस है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अभिभावक बच्चों को बेहतर शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में स्थिति तो यह है कि बेहतर डिग्री लेकर भी युवा आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, क्योंकि जॉब नहीं है। लिहाजा जरूरत है इन बातों पर विचार करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।